नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूँ मैं सोनल दहिया। किचन का हम सब इस्तेमाल करते हैं, किचन को अन्नपूर्णा कहा जाता है, और किचन जितना हाइजीनिक होगा उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपके किचन में जिनका आप ख्याल नहीं रखते हैं, और वो हाइजीन प्रॉपर न होने की वजह से आपको पेट से जुड़ी हुई, आंतों से जुड़ी हुई, डाइजेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किचन में जो चीज़ें आपके इस्तेमाल होती हैं, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, उनका आप किस तरह से प्रॉपर यूज़ करें, कैसे उनको प्रॉपर क्लीन करें, ताकि आप जो है किचन में जब किचन को इस्तेमाल करें तो उसको अगर आप क्लीन करके रखेंगे और फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे चीज़ों को, तो वो आपके लिए सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपकी हाइजीन भी उससे मेंटेन रहेगी। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, चाहे आप किचन का स्लैब कहें या फिर गैस स्टोव या कपड़े का जो स्टॉल होता है जिससे आप किचन को क्लीन करते हैं, आपका चाकू होता है, ये ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है। और ये बैक्टीरिया जो है वो कपड़ा जब आप वॉश कर लेते हैं उसके बाद भी बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हानिकारक होता होगा। जो इसकी वजह से डॉक्टर्स अब नई नई स्टडीज़ आ रही हैं कि अगर आसपास बैक्टीरियाज़ हैं तो फिर आपको वो बैक्टीरियाज़ दिखेंगे नहीं, लेकिन आपके शरीर को वो ज़रूर अफेक्ट करेंगे। उससे आपको उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, कोई और डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है, आपकी आंतों से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है तो वो चीज़ ट्रिगर होती चली जाती है। हमें शुरुआती दौर में बहुत छोटे छोटे साइंस दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी बीमारी बड़ा स्वरूप ले लेगी तो आपको उसका इलाज प्रॉपर करवाना ही पड़ेगा। आप बेड रिडन भी हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपका जो सिंक है, आपका जो फ्रिज है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके किचन में जो इस्तेमाल होती हैं, सिंक जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, आपका फ्रिज होता है, फ्रिज के कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स को आप पूरी तरह से क्लीन करें, क्योंकि फ्रिज में आप सब्ज़ी रखते हैं, सब्ज़ी कई बार ख़राब भी हो जाती है और उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज़ पनप जाते हैं। जो आपके आसपास जो सब्जियां रखी होती हैं, जो भी आप सामान फ्रिज में रखते हैं, वो उसको भी अफेक्ट करता है। तो अपने सिंक को, अपने फ्रिज को आप ज़रूर क्लीन रखें। कोशिश करें कि बर्तन जो है उसको साफ़ होने, बर्तन अगर आपने साफ़ कर दिया तो आप ये मत भूलिए कि उस बर्तन में कुछ समय के बाद फिर से बैक्टीरिया आ सकता है। तो आप उस बर्तन को अगर यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, तो फिर प्रॉपर क्लीन करके करिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर हम कई बार ख्याल नहीं रखते हैं और फिर वो चीज़ें हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो कोशिश करें कि अपना जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कटिंग बोर्ड है, आपका कटिंग बोर्ड पर आप सब्जियां काटते हैं, वो सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है, क्योंकि अपना समय बचाने के लिए हम कटिंग बोर्ड पर चॉपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको समझना होगा कि जो कटिंग बोर्ड है आपका उस पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। तो कोशिश करें कि कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक जो है सबसे ज़्यादा उसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल कम से कम करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए आप जैसे कैन ओपनर है और कटिंग बोर्ड है, उसके ब्लीच सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे सजेशंस देंगे आपको। सूखने के बाद बर्तनों को कटिंग बोर्ड और चाकू जो है उसको यूज़ करें, क्योंकि जब वो क्लीन हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो फिर उससे बैक्टीरियाज़ कम हो जाते हैं। गीली चीज़ों पर बैक्टीरिया ज़्यादा चिपकता है। स्क्रबर है आपका, उसको आप किचन टॉवल को एक हफ्ते में बदलते रहें, ज़रूरी है। कपड़े की जगह अगर आप पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रिज है, ओवन है आपका, माइक्रोवेव है, मिक्सर है, उनको साफ़ सुथरा रखें। तो कोशिश करें कि अपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ये इस्तेमाल करके आप अपने किचन को हाइजीनिक रख सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।